हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. गाइस आज है 14 फरवरी. और गाइस यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है गाइस, ओस्लो नॉर्वे में यहाँ पे फिर से स्नो पड़ गई है गाइस. और इतनी बुरी हालत हो रही है ना गाइस, फिर से स्नो पड़ गई यहाँ पे. मतलब विंटर जाने का टाइम आया था. यूजली इतनी फरवरी में स्नो पड़ती है, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा स्नो पड़ गई गाइस यहाँ पे, ठीक है. और गाइस एक्चुअली मुझे आपसे ना एक बात शेयर करनी है कि यहाँ पे ना कल हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी होगी. जैसे गाइस हमारे साथ क्या हुआ ना, हम जो जिम जाते थे गाइस, जिम में हमारे साथ एक ना प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली. सो गाइस प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारा जो जिम में लॉकर था ना, मेरा लॉकर था गाइस, वो ना एक बंदे ने ना लॉकर तोड़ दिया, मेरा ताला तोड़ दिया. और गाइस मेरे शूज चुरा लिए उसमें से, और क्या बोलते हैं मेरे कपड़े भी ले गए गाइस, जो मेरे जिम के कपड़े थे ना और जो मेरे शूज़ थे ना. सो गाइस वो ले गए मेरे यहाँ से. सो गाइस बहुत ही गंदी, मतलब एक जिम है फ्रेश फिटनेस करके, उनका मैनेजमेंट हमें बहुत ही पुअर लगा वैसे. और तो मतलब बहुत ही अजीब सी, मतलब यहाँ मतलब उस पर लिखा था कि लोगों के कार्ड वगैरह चोरी हुए, बट मुझे पता नहीं था कि गाइस आपका ताला तोड़ देंगे और आपके कपड़े ले जाएंगे और आपके शूज़ भी ले जाएंगे. सो गाइस बहुत ही, मतलब कल का हमारा बहुत ही बेकार मूड था, क्योंकि आजकल गाइस वेदर भी इतना वैसे अजीब सा, क्योंकि सन नहीं आ रहा आजकल ना, आजकल वेदर भी इतना लो है गाइस, आपको ऐसे लो फील होता है. और अगर ऊपर से कुछ हो जाए ना तो गाइस फिर और आपको ना एकदम डिप्रेसिंग सा, अनोइंग सा फील होता है गाइस. सो गाइस ये मैंने आपको अपडेट दे दिए गाइस, ठीक है. विंटर लाइफ में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और बीच बीच में अगर कुछ ट्रेजेडी होती है हमारे साथ बाहर की, ताकि गाइस हर कंट्री के बारे में हमें पता चले. मतलब ऐसे तो बोलते हैं कि बाहर की कंट्रियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, हमारा इंडिया ऐसे है गाइस, क्योंकि इंडिया को बदनाम करते हैं, ठीक है. बट गाइस हमें बाहर की भी अपडेट शेयर करनी चाहिए कि बाहर आपके साथ क्या क्या हो सकता है. तो गाइस मैंने आपके साथ अपडेट शेयर कर दिया. अब गाइस मैं कैमरा स्विच कर रहा हूँ और मैं आपको ना दिखा देता हूँ कि स्नो कितनी ज़्यादा पड़ी है, वो आप गाइस देख लेना, ठीक है. ये देखो गाइस स्नो का लेवल देखो, फिर से ट्रीज, पूरे पहाड़ सारे पहाड़ कवर हो गए गाइस. इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है गाइस, इतनी ज़्यादा. गाड़ियाँ फिर से सारी कवर हो गई हैं. ये देखो गाइस स्नो पड़ी है. ये तो जंगल है, जंगल में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. देखो बंदा गाइस जंगल से जा रहा है, देखो नीचे ऑफिस. गाइस बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है, बहुत ज़्यादा. ये देखो गाइस गाड़ियों के हाल देखो, पूरी गाड़ी कवर हो गई है गाइस. देखो इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है गाइस, इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है. और ये लड़की चली गई, इसको मैंने जाने दिया ताकि मैं इसको वीडियो में ना लूँ. और पीछे से तो गाइस ठीक है, इट्स ओके. सो गाइस इतनी ज़्यादा फिर से स्नो पड़ गई है ना गाइस, मेरे शूज़ देखो, ये देखो चल चल के. बट गाइस फ़ायदा बस ये कि जब फ्रेश स्नो पड़ती है ना, तो फिर ना रोड ना स्लिपरी नहीं होते हैं, क्योंकि ये फिर ना जैसे रेत होता है ना, ये ना रेत की तरह बन जाता है. सो बस वो चीज़ नहीं होती है गाइस. और ठंड ठीक है, ठंड से मुझे दिक्कत नहीं है. -5 -6 गाइस वो ठंडी अच्छी लगती है, -5 -6 डिग्रीज, वो आपको वेदर इतना बुरा नहीं लगता है. और ये इनके चार्जिंग पॉइंट्स हैं. बट गाइस फिर से स्नो पड़ गई यार, हमें लगा था कि फरवरी में ना स्नो, मतलब कि अभी अगले हफ्ते फिर से स्नोफॉल है. हाँ अगर हमें स्कीइंग वगैरह आती है ना गाइस, तो हमें अच्छा रहता, ठीक है. हमें स्कीइंग आती है, और हम और अगर विंटर एक्टिविटीज़ करते ना, फिर तो हम भी खुश होते यार, स्नो पड़ रही है यार, सैटरडे संडे जाएंगे. बट गाइस हमें स्कीइंग नहीं आती एक्चुअली इतनी. तो गाइस इनको देखो, ये देखो गाइस रनिंग, इनको गाइस कोई नहीं रोक सकता. सो गाइस मैंने सोचा कि मेरे पास 3-4 मिनट एक्स्ट्रा है गाइस मेरी बस आने में, तो चलते चलते मैं आपके साथ ब्लॉग भी बना लूँ और मैं विंटर के अपडेट भी दे दूँ. और बसेस ने आना स्टार्ट कर दिया है. और गाइस आजकल हम इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स खा रहे हैं ना, सप्लीमेंट्स गोलियां खा खा के हम इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स खा रहे हैं. बट गाइस फिर भी आपको ना, मतलब जो नेचुरल जो सनलाइट होती है ना, उसका तो एक अलग ही फील होता है. हाँ गाइस मैं आपको बता रहा था कि हम सप्लीमेंट्स भी इतने खा रहे हैं ना, हम दिन में कम से कम 6-7 टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स खाते हैं. मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन D3, ओमेगा. फिर गाइस एक हमने वेस्टीज का सी बकथॉर्न भी परचेज किया है, सी बकथॉर्न हो गया. और गाइस और भी हमारे पास जैसे ना अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है. हमारे पास स्प्रे भी है विटामिन सी का, डी का. बट गाइस फिर भी वही है ना, आपको नेचुरल सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि उसको तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता. आप सप्लीमेंट्स खा लो, आप वो कर लो. और सड़क आज बल्कि स्लिपरी, मैं ऊपर की तरफ हो जाता हूँ गाइस. सो गाइस ऐसा ही है, देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ गाइस यहाँ से भी कितनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है. सो गाइस बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है इस बार नॉर्वे में. ओस्लो में इवन बोलते हैं कि ठंड गर्म होता है, लेकिन
बोलने की बात होती है गाइस, होती तो सेम ही कंट्री है ना सारी। ये देखो गाइस, अब मुझे वहाँ तक जाना है और सारा गाइस कवर है, सारा पूरा स्नो से कवर्ड है। साइड देख लो गाइस, सारा स्नोफॉल 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 भरा पड़ा है पूरा। देखो स्नो ही स्नो है, देखो गाइस हर जगह स्नो ही स्नो है। चलो गाइस चलते हैं। Let's go guys, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सो गाइस, मुझे आपको यही अपडेट देनी थी। 14 फरवरी को भी मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है गाइस, इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो पड़ी है और हमारे साथ का ट्रेजेडी होगी निकल, जिसकी वजह से थोड़ा हमारा मूड ख़राब हो गया था गाइस। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग और आई होप जल्दी से विंटर ख़त्म हो और मैं आपको फिर विंटर की ज़्यादा अपडेट ना दूँ गाइस। फिर मैं आपको डिफरेंट, जैसे स्प्रिंग आएगा फिर समर आएगा। सो गाइस, मैं आपको मतलब आगे के सारे मतलब अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगा, ठीक है गाइस। और विंटर का एक्सपीरियंस तो मैंने अच्छा खासा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है गाइस। ओके गाइस, सो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस। और मेरा हाथ भी पूरा ठंडा हो गया गाइस, ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर। हेलो गाइस, कुछ नहीं गाइस, आज कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई और अभी घर जा रहा था फोशिंग परकन से और ट्रैम ही कैंसल हो गई है। अब 15 मिनट बाद ट्रैम आएगी गाइस, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है गाइस, ट्रेजेडी एवरीडे। सो मैंने सोचा मैं पैदल ही चल लेता हूँ, तो आधे रास्ते पैदल ही चल लेता हूँ गाइस। ऐसा लगता पूरा रेत फेंकों में, दिखाता हूँ गाइस आपको कैसा रेत होता है यहाँ पे। वैसे गाइस हलवा होता है ना, हलवा पूरे हलवे वाले जैसे हलवा बनता है ना सूजी का, वैसा ही लगता है पैर फंस जाते हैं आपके। चलो गाइस, ये है फोशकनिंग परकन, तो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, एक्चुअली मुझे लगा मैं व्लॉग मैंने अपना सुबह एंड कर दिया था, तो मैंने भी थोड़ा सा पार्ट मैंने और ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बहुत फेमस ये फोशकनिंग परकन है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्राउड रहता है, मेट्रो स्टेशन है, ट्राम स्टेशन है, मैंने आपको वो भी दिखा दिया गाइस। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और गाइस ज़रूर लाइक कर देना, लाइक कम आ रहे हैं गाइस, ठीक है, लाइक कर देना यहाँ से।